good morning students you are very very fine in your place hope so this is the ninth video lecture for electrochemistry based on nernst equation so that is the nernst equation nernst equation already explained what e cell equal to e0 cell minus 0 0.0591 n log product upon reactant तो चरा कल भी मैंने आपको ये इक्वेशन इक्वेशन एक्सप्लेन की थी आज इस को थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ जो कल वाली छुट्टी हुई चीजें थी उन्हें और देख लीजिए ढंग से देख लीजिए चेक कर लीजिए एक ही क्वेश्चन लेंगे आज बोर्ड का कल भी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया था जरा देखिए ई सेल ई सेल का मतलब क्या था कल भी मैंने आपको डेफिनेशन दी दे थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनी कंसेशन एंड टेम्परेचर ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है ई नोट सेल को मुझे कैलकुलेट करना है किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंसल्टेशन में एनी कंसल्टेशन एनी कंसटेशन एनी टेम्परेचर एनी कंसेंटेशन एनी टेम्परेचर में अगर e कैलकुलेट कर सकता हूं और ई e सेल क्या हुई देखिए ई सेल क्या है ई e सेल में सबको पता होना चाहिए ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द फिक्स वन एम कंसेंटेशन फेक्स अगर वो वही चीज गैस में होती है एटीएम टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन 298 केल्विन टू एट द फेक्स अगर ये फिक्स कंडीशन है तो क्या हुई नॉट e और ये फिक्स कंडीशन नहीं है किसी भी टेम्परेचर किसी भी में है, तो e जी, और क्या बात ही? आर की वैल्यू एट पॉइंट पर पर इन कैलविन में होना चाहिए एफ एफ ए फ्राइडे फ्राइडेसाइव जीरो जीरो ऑलमोस्ट इक्वल रखा ताकि कैलकुलेशन हो सके अब नाइन सिक्स फाइव 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 जीरो जीरो फ्राइडे रोमा आपके पास और आ जाएगा ये तो, एक्चुअल में है क्या चार्ज इन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है दैट इज ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं में भी कहीं पर कुछ आया होगा चलिए नेक्स्ट और मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन के ऊपर कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं सीधे न्यूमेरिकल आते हैं जो कि हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल के ऊपर काम करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास पी प्रोडक्ट प्रोडोकोफॉन रिएक्टन जो कि नेक्स्ट पार्ट था इसका प्रोडक्ट प्रोडोकोफॉन रिएक्टन ये जो पार्ट था प्रोडक्ट प्रोडोकॉफ रिएक्टन यहां पर बहुत सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं और यही इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्ट को मैं इक्वेब में भी लेके जा, ले जा सकता हूं तो के इज अक्वेबरियम कॉन्स्टेंट के सी इज द इक्वीबरियम कॉन्स्टेंट कंसल्टेशन में तो लॉ के सी भी आ सकता है प्रोडक्ट ऑफ ऑन के केस में कब जब में जाए तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर टू ए है थ्री बी के साथ रिएक्शन बनना तो ये क्या हुआ प्रोडक्ट और ये क्या हुआ रिएक्टेंट तो इस केस में हम नेक्वेशन को कैसे करेंगे तो इट इज एट इक्वेबरम याद रहे एट द इक्म दैट इज द साइन ऑफ द इक्वेबरियम इक्वेबरियम अगर है ये इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स देखिए एट इक्विबिर में एट इक्मिटी में नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे लगा रहा हूं तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लॉग इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट को देखिए तो प्रोडक्ट पावर में चली गई ये जो कोपिशन थी इसकी पावर में चली जाती है ये में भी आया था पावर में चली गई थ्री और रिएक्टेंट में क्या था टू तो टू को पावर में रखा तो जो भी कंसल्टेशन इनकी आएगी मैं उसको इसके पावरों के साथ सोल्व करूंगा और लॉग होगा टाइम बेस राइट ये याद रहे सेम अब अगर अब अगर इक्विब्रिमिटी है तब तो हमने ये लगा दिया इक्विब्रिमिटी है तब तो हम Casey के के बेस पे बात करेंगे लॉग के के बेस पे बात करेंगे आदर लॉक के और आग के सी के बेस पे बात करेंगे लेकिन इक्विबिटी में नहीं है तो इसी चीज को मैं कहूंगा क्या फॉर द एनी कंसल्टेशन क्यू और क्यू को क्या बोलेंगे लॉग क्यू आदर सी क्यू सी तो ये जुड़ आपको पता होनी चाहिए तो किसी भी कंसल्टेशन की बात होगी तो क्यू सी और इक्विब की बात होगी तो हम लॉग केसी के ऊपर के बात कर सकते हैं तो इक्विब्रियम कॉन्सल्टेशन इक्विब्रियम के अंदर आ रही है वापस चेक कर लीजिए कौन से चैप्टर में मिलेगा इक्विबरियम में इक्विब्रियम में मिलेगा इक्विब्रियम आप चेक इसे कर सकते हैं बेसिक क्या है लेकिन ज्यादा फिर से वही बोल रहा हूं ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा इसमें कोई इक्वेशन के बेस पे कोई बड़ा अभी तक नहीं आया बोर्ड पॉइंट व्यू में सीधे, equation, सीधे, सीधे में। जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा और और जो है, है, है? नंबर पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और अदर गेन की रिडोक्स में रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने की टेंडेंसी तो लॉस और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होगी इक्वल होगी इक्वल होगी इक्वल तो इक्वल होगी चाहे लॉस हो चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, हो तो लॉस करने की जो टेंडेंसी है या फिर ट्रांसफर होने की टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ जो गए हुए हैं इलेक्ट्रॉनों का जाना आना जाना जो है वो इक्वल होनी चाहिए और वो जितनी भी होगी उसको हम एन के बेस पे जाएंगे जैसे जिंक के अंदर जिंक और कॉपर के अंदर जिंक सेल और कॉपर सेल में आपने ले रखा था उसमें एन की वैल्यू क्या आ रही थी दो तो ये निकालनी पड़ेगी आपको इसके ऊपर मार्क्स होते हैं ये आपको जरूर पता होनी चाहिए नेक्स्ट तो ये सब चीजें आपके पास जरूर पता हो तो क्या पता चला क्यूसी क्या पता चला केसी क्या पता चला केवल आपके पास अपॉन रिएक्टेंट तो इसको इसको मैं दो चीज दो फॉर्म में और लिख सकता हूं किस फॉर्म में केसी लॉक के फॉर्म में लॉक लॉक तो है ही लॉक केसी और दूसरा हो गया क्यूसी तो दोनों को दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहा है आपको ये आपको जरूर पता होनी चाहिए डिफरेंस बिटवीन द लॉ केसी एंड लॉग क्यूसी ये क्वेश्चन आपके लिए बना इसे जरूर कर लेना अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यूसी कब लगाऊंगा के सी कब लगाऊंगा अभी अभी मैंने थोड़ी देर पता बताया था कि अगर के सी लग रहा है तो केवल इक्विडोटी है क्यूसी लग रहा है किसी भी कंसल्टेशन में लगने वाली चीज है और सेम हरकत यहां पर भी हो रही थी ई e सेल है तो स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन सेल है तो स्टैंडर्ड स्टेट में है और ई सेल है एनी कंसल्टेशन पर है तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड स्टेट और ई सेल एनी स्टेट क्या डिफरेंस था डिफरेंस आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियलिटी है एनी कंसल्टेशन दैट इज ई सेल और अगर गिवन सेट ऑफ कंडीशन फिक्स है कौन सेट ऑफ कंडीशन फिक्स है वन एम का कंसलटेशन है और ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और यही चीज अगर गैस में होता है यही चीज अगर गैस में होता तो वन एटीएम का प्रेशर आगर बार का प्रेशर यहाँ पे जीवन आपके पास आ सकता है तो ये इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम नेक्वेशन को आगे भी इसके इसके एप्लीकेशन में इसके टाइप को हम चाह करेंगे तो दिस इज द बेसिक इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट केसी एंड क्यूसी रिगार्डिंग टू द नेक्स इक्वेशन होप सो दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द कैलकुलेटिंग ई सेल ई सेल तो लेट स्टार्ट द वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बोर्ड ये क्वेश्चन एक बोर्ड में आया हुआ है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में और रिसेंटली जो इस साल जो पेपर हुए हैं ये जो अभी अभी जो सेशन हमारे पास गया उसमें नेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं इससे रिलेटेड और क्या चैप्टर में से इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया वो भी मैं आपको शेयर करूंगा इस चैप्टर से तो चलो जी जरा बात करते हैं क्या बात करते हैं फाइंड आउट द आरपी और ओपी अरे आरपी क्या है ओपी क्या है मैंने आपको कल भी बताया था और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मैंने क्या पता करना है आरपी पता करना ओपी पता करना है और एफ प्लस टू एन कंसल्टेशन की है पॉइंट जीरो वन एम और एफ सोल्ट में जा रहा हूं और इसकी इसने दे रखा 25 degree Celsius e, e दे है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस में यानी कि टू नाइनटी एट एलोन और ई नॉट की वैल्यू दे रखी है ई नॉट वैल्यू नॉट वैल्यू या ई सेल की वैल्यू आप बोल सकते हो ई नॉट सेल क्या है ई नॉट सेल की वैल्यू माइनस प्वाइंट फोर फाइव पोल्टे आपको है। निकालना क्या है आरपी और ओपी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन तो जरूर पता होनी चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियलिटी हम किस तरह से निकाल पा रहे हैं तो जरा करें जरा स्टार्ट तो चलो जी स्टार्ट करते हैं जरा क्या क्या स्टेप्स हैं कौन कौन सी चीजें निकलेंगी किस तरह से निकलेंगी चलिए सबसे पहले सबसे पहले जरा सेल को देखिए क्या है एफ प्लस के टू चार्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही चीज है इसके अंदर एफ ई है हाँ जी तो रिएक्शन को चेक करने के लिए इसमें देखिए एफई प्लस के टू हाँ जी से क्या हुआ दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ एफी सॉलिड e, अब जरा देखिए किसमें है प्लस के दो ऑप्शन स्टेट है क्या गया जीरो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल में जल्दी बताइए ये इक्वेशन मैंने किसमें लिखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखी है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल में लिखी है किसमें है? किस है यहां देखिये प्लस का टू और यहां पे क्या है यहां पे क्या है जीरो कम हुआ है तो किसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रही है अगर बढ़ रही है तो ऑक्सीडन कम हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल में प्लस का टू से जीरो हुआ है प्लस का टू से जीरो हुआ तो किसमें लिखी गई है ये रिडक्शन पोटेंशियल में लिखी गई है तो क्या निकलेगी मेरी क्या निकलेगी इसमें से ये निकलेगा आरपी रिडक्शन पोटेंशियल निकल रही सीधी बात तो पहली बात क्लियर हुई क्या बात क्लियर हुई प्लस का टू चार्ज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर घटा बढ़ा

देन उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में रखो और दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे फार्मुला में किस फॉर्मुल में रखना नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू आगे बोलिए आगे बोलो बोलो शाबाश हाँ, क्या ई नॉट सेल मैंने बोला था आपको इक्वेशन जरूर रखनी है माइनस क्या जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन क्या एन और साथ में लॉग क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टन लिखू या ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखू या फिर जो है केपी केसी सी लिखू नहीं इसमें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टन ही लिखेंगे ये हो गई ठीक है जी हां जी देन उसके बाद अब प्रोडक्ट साइड में क्या है प्रोडक्ट साइड में आपके पास है ये रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट साइड में क्या आपका ये तो ये क्या हुआ प्रोडक्ट ये क्या हुआ रिएक्टेंट सेम इक्वेशन को यहाँ पर लगा के आप सॉल्व कर सकते हो क्या करा जा सकता है तो इस क्वेश्चन को शेयर करें कि, कि कितना आपने आंसर निकाल रखा है क्या ई नोट की वैल्यू गिवन है क्या ई नोट की वैल्यू दे रखिये आपको हाँ जी दे रखिये कितना माइनस ऊपर दे रखिये देखिये ये माइनस प्वाइंट माइनस प्वाइंट फोर फाइव चलिए आगे बढ़िए फिर माइनस कितना जीरो जीरो फाइव नाइन से भी सॉल्व कर सकते हो वन भी लगा सकते हो राउंड ऑफ में एन एन कितनी वैल्यू थी एन थी आपके पास टू और लॉग देखिए लॉग प्रोडक्ट आपके पास क्या आयरन तो आयरन को तो वन लिखिए मैंने आपको कल भी बताया था यूनिटी में भी जाएगी और कंसिलेशन इसकी कितनी है कंसिलेशन है पॉइंट पॉइंट जीरो वन तो इसको सॉल्व करना सॉल्व आपको करना चाहिए तो ये करने के बाद क्या इसका आंसर आ रहा है और ये आ रहा है आपके पास किसमें रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बोला था और फार्मला मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फार्मला मैंने आपको बता रखा था, था क्या अगर रिडक्शन पोटेंशियल है इसका उल्टा हो जाता है क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये आपको पता होनी चाहिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो जो आंसर आपका आ रहा है उसके साइन आपको बदलना है अगर इसका आंसर माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आएगा और अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में आ गया याद रखिए बात याद रखिए तो क्या बताया मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इसमें कैलकुलेट करने के लिए आ रहा था इक्वेशन को चेक करिए इक्वेशन आपकी कैसी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल में अगर जिस पोटेंशियल में जो आंसर एक ही बार निकालना दो बार सॉल्व मत करिए आंसर आके आपके साइन चेंज करने जिससे हम आपको पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है तो याद रहे बात फिर से देख लीजिए फिर से चेक कर लीजिए फिर से चेक कर लीजिए इसे किस तरह से करा फाइंड आउट द आरपी एंड ओपी आरपी एंड ओपी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन की वैल्यू आपके पास गिवन है कंसल्टेशन में और नेक्स्ट नेक्स्ट टेम्परेचर टेम्परेचर का रोल फिर से वही टू नाइन्टी में तो इसका 25 का कोई रोल नहीं है क्योंकि इसमें हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लिख लेनी है तो ये आपके पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको पास जरूर सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व होना चाहिए और फिर से वही ओपी निकालने के लिए जो इक्वेशन इसमें आ रही जो आपका पास आंसर आ रहा उसके साइन को चेंज कर देंगे तो आपकी ओपी आ जाएगी आरपी के लिए अगर आरपी जो आ रखी है तो उसको आप माइनस में करेंगे तो ओपी आ जाएगी या फिर प्लस में करेंगे ओपी आएगी जो ओपी आएगी उसका उल्टा आरपी होगी जो आरपी आएगी उसका उल्टा ओपी होगी इस बात का आपको ध्यान रखना है तो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर रखा है ये देख लीजिए ये सब कुछ आपके पास करा हुआ है ये न्यूमेरिकल आपका सोल्व होनी चाहिए आंसर को शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चों को फैलाइए कि किस तरह से इसके नस इक्वेशन हमारी लग रही है तो नस इक्वेशन को लगाने का तरीका बहुत सिंपल है इक्वेशन में कोई बड़ी बड़ी चीज आनी नहीं है इक्वेशन के बेस पे कोई बड़ा क्वेश्चन आपको वैक्यूरेट नहीं होगा केवल न्यूमेरिकल बेस पे न्यूमेरिकल मैंने आपको जिस तरह से करा रखे जरा स्टेप वाइज में ध्यान रखेगा किस तरह से कर रहे हैं इनोवेटिव क्वेश्चन जो है कोई बड़ा नहीं आ रखा है केवल लैंग्वेजिक चेंज हो रही है जैसे इसमें आरपी और ओपी में चेंज हो रखा को आपको इसी चीज को ई नॉट सेल या ई सेल के बेस पे बोलेगा या फिर कहीं कहीं पे रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के स्टैंडर्ड या नॉर्मल कंडीशन पे बेस पे बोलेगा और सेल को भी हम सेल्फ पोटेंशियल के बेस पे भी बोला करते हैं तो सेल्फ पोटेंशियल भी यहां पर वर्ड यूज किया जा सकता है जैसे ये तो सेल्फ पोटेंशियल भी बोला जा सकता है स्टैंडर्ड सेल्फ पोटेंशियल बोला जा सकता है आरपी बोल सकता है और ओपी यहाँ पे बोला जा सकता है तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो होप सो दिस क्वेश्चन यू डेफिनेटली गैदर्ड एंड शेयर द आंसर इन योर यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करिए सभी बच्चों को बताइए और फिर से कॉपी अपने पेरेंट्स से साइन करके शो करिए मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे हैं कृपया अपने पेरेंट्स को अपनी कॉपी जरूर दिखाइए कोई छोटे बच्चे नहीं है आप आप बच्चे हैं बोर्ड के सो होप सो दिस वीडियो इज लाइक टू यू एंड शेयर टू यू बाय ईच एंड एवरीवन थैंक यू हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट नाइट